जो मुरारी बापू जो थे प्रवचन के लिए नवसारी में आए थे, तो उनके लिए एक दिन के रहने के लिए इन्होंने यहाँ पे ये रूम वगैरह सारी कुटिया है ये बनाई थी भाई, एक दिन के लिए बनवाई थी। अब सोचो भाई साहब, उनके लिए झूले के लिए अलग जगह है, उनके रहने के लिए अलग जगह है भाई साहब, और ये सारी चीजें उनके लिए बनाई। आज हम आए एक फार्म हाउस पे, इधर ही जो काफी बड़ा है भाई, जिसमें मेरा पूरा गांव आ जाए, इतना बड़ा फार्म हाउस। और इसका गेट भी बहुत बड़ा है, क्या ही बोले भाई साहब। आज हम आए थे एक यहाँ पे फार्म पे, और ये फार्म देखिए काफी बड़ा फार्म हाउस है, और अब दिखाता हूँ मैं इसकी यहाँ की जगह और किस तरीके से खूबसूरत ये फार्म बना रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे के रहने के लिए ये है, और कैमरास वगैरह सब लगा रखे हैं। ये देखिए पूरा एरिया देखिए, वो एंट्रेंस गेट वहाँ पे है, वहाँ से एंट्री लेते हैं। पूरा लाइटिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया है भाई, और ऐसे फार्म बनाने की यहाँ पे मतलब बहुत सारे है, बहुत सारे लोग फार्म बनाते हैं। देखिए यहाँ पर भी खेलने को बैठने बैठने की चीज़ें हैं इधर, और ये पानी बना रख पानी का रख रहा है यहाँ पशु पक्षियों के लिए। यार क्या गजब का फार्म बना रखा है भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है ना भाई, खतरनाक। तो भाई साहब इधर आए थे हम आज बढ़िया से घूमने के लिए, और ये झूले वगैरह तो हर जगह बनाए रखे हैं। खैर तो भाई ये देखिए मतलब नेचुरल तरीके से किस तरीके से डिजाइन वगैरह बना रखी है, लाइटिंग है, ये देखिए पूरा नेक्स्ट लेवल बना रखा है भाई, ठीक है। और अगर कभी इधर जाते हैं तो उस साइड में पूरा है ग्रीनरी वगैरह। तो भाई साहब ऐसे फार्म आना भाई नेक्स्ट लेवल मतलब है ये तो, और बहुत फेमस लोग भी है इधर के। और अब आपको थोड़ा अंदर से एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ पूरा फार्म यहाँ पे, क्या ही गजब के। और ये देखिए भाई मतलब इसमें गर्मी भी नहीं लग रही और ना धूप लग रही है भाई, और लाइटिंग का तो अलग ही है, रात में तो और ही मज़ा आ जाए इसमें तो भाई, खतरनाक मज़ा। और साफ सफाई तो पूरी है ही इसमें। खैर भाई साहब नाम है देखो कैलाश वगैरह सारी चीज़ें। और भाई ये देखिए भाई आम वगैरह, इस जगह पे 30-40 लोग तो काम के लिए रख रहे हुए हैं भाई। और ये देखो भाई केरियाँ वगैरह मतलब आम आम है ही, और ये देखो कितने नेचुरल तरीके से बनाया गया है। पत्थर ये सी के वहाँ के पत्थर वत्थर लाए हुए हैं, और आम देखो भाई ये। गाइस जो मुरारी बापू जो थे प्रवचन के लिए नवसारी में आए थे, तो उनके लिए एक दिन के रहने के लिए इन्होंने यहाँ पे ये रूम वगैरह सारी कुटिया है ये बनाई थी भाई, एक दिन के लिए बनवाई थी। अब सोचो भाई साहब, उनके लिए झूले के लिए अलग जगह है, उनके रहने के लिए अलग जगह है भाई साहब, और ये सारी चीज़ें उनके लिए बनवाई गई थी। और राम वगैरह यहाँ पे मतलब एक होता ना यार, आपको उनके ध्यान करने के लिए सारी चीज़ें हैं भाई, उस तरीके से बनाई गई है एकदम। और साइड में है उधर रहने के लिए एक और बना रखा, बहुत बड़ा फार्म है भाई, मेरा तो पूरा गांव है इसमें आ जाए, इतना बड़ा है भाई साहब। और ये सारी चीज़ें हो रही इधर, हकीकत ही बात है भाई, ये इधर मेरा इतना बड़ा फार्म है कि पूरा गांव आ जाए भाई। करण भाई है साथ में, और ये खजूर वजूर के है इधर आ रखे हैं फिलहाल। तो भाई इधर रह जाए ना तो भाई अलग ही मतलब सुकून तो है ही। खैर और चीज़ें दिखाता हूँ इधर आपको, एक्सप्लोर करता हूँ मैं आपको। हाँ हाँ यार मस्त। तो भाई साहब एक झूला ये बना रखा है जहाँ पे पंखे भी है, लाइटिंग भी है, और आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं मतलब करते हैं यहाँ पे। और ये देखिए भाई करण भाई एक बार बैठ के देखो, फीलिंग्स बताओ भाई किस तरह की फीलिंग आती है भाई। ऐसा फार्म तो मैंने राजस्थान में तो देखा नहीं भाई, क्योंकि तो इतना पानी मतलब है तो सही, मज़ा आता ना भाई देखो इसे। और शांति भी है, सुकून भी है इधर तो, और साथ में देखो आम वगैरह है इधर। देखो आम तो भाई क्या ही, सारे के सारे आम ही आम है। अगर मेरे गांव के इधर देखो इधर आ जाए ना तो भाई ये आम शाम तक खत्म हो जाए। हमारे साइड के लोग अगर मतलब लड़के वगैरह।
आ जाए तो ये फार्म पे एक मकान टाइप पे बना रखा है इस तरीके से। और यहाँ के देखिए भाई, ये दो वगैरह जो है 35 तो मेंटेन्स, वर्कर है मेंटेनेंस के लिए। और अच्छा 35 लोग हैं यहाँ पे वर्कर्स भाई साहब। ओके, और एक मैनेजर है जो खुद भी ये काम करता है। इसकी 20 करोड़, 70 करोड़ है इसकी यहाँ तो भाई साहब, इसकी कॉस्ट जो है वो 70 करोड़ है। मेंटेनेंस का ये होगा इसका 30-40 हजार महीने का। महीने का 30-40 हजार इस फार्म का पूरा का मेंटेनेंस जो है वो है भाई। और रखा है बस 35-40 यहाँ पे वर्कर्स है, लाइटिंग है, और बढ़िया। बहुत बड़ा फार्म है। उधर अभी भी काम भी चल रहा है उधर शायद कुछ और बनने का, सब है इधर। तो अभी मतलब तो ये तो है ही, ये तो वर्कर्स का जो है, बाकी मेंटेनेंस इनका 30-40 हजार है, बाकी और चीज़ें तो अलग है भाई। वो ये तो वो अलग है मेंटेनेंस है, यार इसमें सब और इसमें रहता भी कोई नहीं भाई, इसमें कोई नहीं रहता। उनकी फैमिली जो है वो कभी कभी आती है यहाँ पे, या वो कभी कभी आते हैं मीटिंग वगैरह के लिए। यह है, एक चीज़ दिखाता हूँ भाई यार, ये है भाई, यहाँ पे देखो इस तरीके की बना रखी है हरियाली पूरी खतरनाक तरीके से भाई साहब, मस्त है ना भाई। देखो है भाई, ये चीज है भाई, और पूरा ग्रीनरी इससे बना रखा है भाई, अलग लेवल की मस्त तरीके से। भाई फार्म पे देखिए, राम भक्त तो है ही कह रही है, और इस तरीके देखिए किस तरीके से यहाँ पे राम के जो है नाम वगैरह बना रखे हैं, शायद समुद्र के जो पत्थर होते हैं उनसे राम बना रखे हैं भाई। ये पूरा देखो भाई साहब खतरनाक तरीके से, ये देखो वहां पर है वो उधर अभी। तो भाई लोगों, इतनी देर से अपन गांव में घुमा रहे थे आपको, नवसारी के गांव में, और अब आपको दिखाता हूँ मैं। ये है मतलब अपने सूरत का नवसारी, और ये थोड़ा शहरी इलाका है, आप देखोगे इधर तो भाई साहब ये शहरी इलाका है पूरा। भाई लोगों, यहाँ के आम के पेड़ हैं, उनके आम वैसे रोड पे लटके हुए होते हैं लेकिन कोई लेके जाता नहीं है, और देखो कोई तारबंदी है नहीं। इस तरीके के आम जो है वैसे लटके हुए होते हैं भाई। ये खूबसूरती यहाँ के, मतलब इधर ज़्यादा चोरी चकारी होती नहीं है ना, वो चीज़ है भाई। तो भाई लोगों, मेरे को नवसारी गुजरात में बहुत अच्छी चीज़ें ये लगी कि यहाँ पे जो मंदिर वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पे बैठने की जगह है, और यहाँ की जो मतलब जगह है ना काफ़ी खूबसूरत है। साफ़ सफाई तो यहाँ पे नहीं है अभी, क्योंकि देखो ये पुराना मंदिर है, और यहाँ पे देखो महादेव का मंदिर है पास में, स्मेल सी आ रही है, और लगता है किसी जानवर मरा पड़ा हुआ है इधर। जगह देखिए आप, कितनी शानदार जगह है, खूबसूरत जगह है ये, और पानी भी बहुत सारा, मतलब खूब पानी है इधर यार। तो यहाँ पे अपने जो लकड़ी के बन रखे हैं भाई, जो मंदिर टाइप में बने होते हैं, ये देख रहे सामने आप, इतना बड़ा जगह गोल गोल सर्कल घूम रहा है भाई, और सामने आप देखते हो भाई, देखो यहाँ पे सब जगह जो है ये तो पुरानी बिल्डिंग सी है, और ज़्यादातर आप देखोगे ना भाई इधर पास में सारे बड़े बड़े जो है यहाँ पे बिजनेसमैन है, सबके घर वगैरह बन रखे हैं भाई। ये स्वामी नारायण जो मंदिर है वो यहाँ पे बन रखा है भाई, और ये एक धीरे धीरे करके अपन सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे, अभी तो धीरे अपन नए हैं थोड़े। अब कुत्ते हट जाइए, पता नहीं चीनी के जो बने होते ना वो है, और भाई मेरे को कुछ काम था इधर, तो मैं इधर आया हुआ था,
अपने सिटी टाइप में। वैसे देखो सिटी में तो हर जगह सेम चीज़ होती है, शोर शराबा, लेकिन गांव, यहाँ के गांव जो है लोकल गांव जो है बहुत प्यारे प्यारे गांव हैं भाई इधर के। ये तेरी ना 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 ना। अब देखो यार कुछ खर्चे कार्पेंटर के इधर बहुत प्यारी मतलब जगह है ये, और अगर डेकोरेशन के लिए चाहिए आपको इधर तो नवसारी की इधर डेकोरेशन मॉल भी यहाँ पे बना हुआ है, और बहुत सारी जगह है यहाँ पे।